नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो एलएसजी वर्सेस आरआर के मैच के फुल हाईलाइट वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम आपको लखनऊ और राजस्थान के मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे। साथ ही इस मैच में कई ऐसी चीजें हुई जो लोगों को काफी ही ज्यादा हैरान कर रही है, हम आपको इस वीडियो में वो भी बताने वाले हैं। और दोस्तों इस मैच के लास्ट ओवर में एक ऐसा ड्रामा हुआ जो सभी ही खिलाड़ियों को काफी ज्यादा झकझोर कर रख दिया, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ना दोस्तों, हमने आपके लिए वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों मैचेस खेले जा रहे हैं और ये जो मैचेस हो रहे हैं ये काफी ही ज्यादा रोमांचक मैच हो रहे हैं। ऐसा ही एक रोमांचक मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी टीम के बीच। इस मैच का टॉस जीती है राजस्थान रॉयल्स की टीम और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है। बैटिंग करने आई लखनऊ की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। लखनऊ की टीम शुरुआत में काफी ही ज्यादा चौक कर गई। शुरुआत में ओपनिंग करने आए केएल राहुल और काइली मायर्स काफी स्लो पारी खेलते हैं, जहां केएल राहुल शानदार बैटिंग करते हुए 38 रन बनाए, वहीं काइली मायर्स ने 51 रन। इन दोनों के ढंग की बल्लेबाजी के बाद कोई भी तीसरा बल्लेबाज ऐसा नहीं आया जो काफी अच्छा स्कोर किया हो। लखनऊ टीम की शानदार बैटिंग के बाद वो पूरे 20 ओवर में 154 रन बना लेती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से बॉलिंग काफी ही ज्यादा बढ़िया हुई। ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती 2 ओवर्स में केवल 2 ही रन दिए, इसके चलते लखनऊ की टीम इतना कम स्कोर बना पाई। दोस्तों जिसके बाद फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम बैटिंग करने आती है। बैटिंग करने आए राजस्थान रॉयल्स की टीम शुरुआत तो काफी बढ़िया करती है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के ओपनर भी काफी शानदार खेलते हैं। एसएसपी जयसवाल और जोस बटलर 80 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन वो चीज उन्हें रास नहीं आई और फिर वो दोनों एक के बाद एक आउट होते हुए पवेलियन चले जाते हैं और फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी ही ज्यादा फंस गई इस मैच में। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद एक राजस्थान रॉयल्स की विकेट गिरने लगती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक ओवर में 19 रन जीतने के लिए चाहिए थे, लेकिन लास्ट ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना 2 विकेट गिरा देती है और जो राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत रही थी उसे भी हार गई। यूं कहें तो जीता जिताया हुआ मैच राजस्थान रॉयल्स जानबूझकर हारी है। बहरहाल दोस्तों जो भी हो, लखनऊ की टीम ने इस मैच को जीत कर सीधे टेबल पर टॉप कर दिया है। करते हैं आपके सरप्राइज के बारे में, तो अगर आप हमारा 10,000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो हम आपके लिए गिव अवे रखेंगे, इसमें आपको ढेर सारा इनाम मिलेगा।